नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर, चंबल व अन्य नदियों से निकालकर शहर में डंप कर रहे रेत, अवैध रूप से व्यापार कर रहा माफिया। राजस्थान की नदियों से अवैध तरीके से निकाली जा रही रेत श्योपुर की सड़कों से होकर महानगरों में भेजी जा रही है। रेत का अवैध कारोबार रात के अंधेरे में होता है। जो डंपर या ट्रक रात के अंधेरे में शहर से पार नहीं हो पाते, उनका रेत श्योपुर में डंप कर दिया जाता है। इस कारण शहर में कई जगह ऐसी हैं जहां अवैध रेत के ढेर लगे हुए हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में हाईकोर्ट ने नदियों से रेत निकालने पर रोक लगा रखी है। इसके बाद भी खंडार के पास बनास नदी से धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। इस प्रतिबंध के बाद भी राजस्थान की ओर से हर रोज 60 से 70 डंपर व ट्रक रेत के आते हैं। ये सभी वाहन रात के अंधेरे में आते हैं। रात 12 बजे से तड़के 4 बजे तक श्योपुर पाली हाईवे पर रेत के वाहनों की कतारें लगी रहती हैं। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट।